गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूं। तो आज पहाड़ का जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा हो रखा है, क्योंकि सुबह से पूरे बादल छाए हुए हैं। लगता है शाम तक बारिश हो सकती है। तो उससे पहले कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिर पहाड़। जो मेरी तैयारी है वो बाजार जाने की है। मुझे जाना है फाटा मार्केट, जहाँ से मेरा कुछ काम है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि रास्ता जंगल वाला है। तो अभी मुझे एक डेढ़ किलोमीटर ऊपर सड़क तक जाना होता है। जंगल के रास्ते से होते हुए मुझे पहुँचना है मार्केट की ओर। तो ये है हमारे मार्केट जाने वाला रास्ता, पैदल रास्ता, जो कि जंगलों के बीच है। तो यहाँ से होते हुए मुझे जाना है ऊपर सड़क पे। सकते हैं कि काफी सुंदर बुरांस का फूल यहाँ पे खिला हुआ है। मैं जाने पर मैंने देखा कि एक पेड़ पे एक बेल लगी है, वो हूबहू सांप की तरह दिख रही है। ये देख सकते हैं कैसे लिपटी हुई है, जैसे लग रहे हैं कि दो मुंह वाला सांप इस पेड़ पे लिपटा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जंगली मुर्गे हैं। यहाँ पे काफी सारे जंगली मुर्गे दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा जब भी जाता हूँ तो ये जंगली मुर्गे यहाँ काफी दिखाई देते हैं। ये देखो ऊपर चले गए हैं। तक जाने के लिए काफी चढ़ाई वाला रास्ता है, और सुबह सुबह नाश्ता करो और सीधे घर से निकल जाओ तो सांस भी फूलने लग जाती है। तो इसीलिए काफी तेज चलने पर सांस फूल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा रास्ता जंगल से घिरा हुआ है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा रहता है दिन में भी यहाँ। ये देख सकते हैं पूरा रास्ता जंगल से घिरा हुआ है। देख सकते हैं कि आज का मौसम पूरा बदला हुआ है, तो पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। कल अच्छी धूप लगी थी और आज फिर से मौसम पूरा चेंज हो गया है, बारिश आने के लिए हो रहा है। सामने ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होना शुरू हो गया है। तो पहाड़ के मौसम कब करवट ले ये पता नहीं चलता है। देख सकते हैं कि रास्ते में बुरांस के फूल झड़ना शुरू हो गया है। जगह जगह में काफी सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं और रास्ते में खिल के झड़ रखे हैं। ये देख सकते हैं कुछ महीनों तक इसी प्रकार आपको बुरांस के फूल झड़ते हुए दिखाई देंगे। ये खूबसूरत सा नज़ारा है फाटा मार्केट का। देख सकते हैं कि यह है फाटा मार्केट, जो कि केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। पहाड़ों में सर्दियों की बारिश शुरू हो गई है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू होने लगी है और पूरा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, और ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है।